भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में जी के खिलाफ बोल रहा है। लिस्ट बना लेते हैं जो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई। तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? अरे भाई ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, एक पैसे का ट्रेल नहीं है। ये नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नासमिन खान आपके साथ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर अब एक बड़ी सुनवाई दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में देखी जाएगी। संजय सिंह पर आरोप है कि शराब घोटाले में वो भी शामिल है, यहां पर उन्होंने भी रिश्वत ली है। संजय सिंह के खिलाफ सरकारी गवाहों को पेश किया गया। संजय सिंह के मामले में देखा गया कि दिनेश अरोड़ा एक सबसे बड़े सरकारी गवाह बनकर सामने आए और दिनेश अरोड़ा ने आरोप लगाया कि सबसे पहले मुलाकात संजय सिंह से ही हुई थी। संजय सिंह ने फिर मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई। संजय सिंह पर आरोप 82 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगा दिए जाते हैं। संजय सिंह इन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हैं। संजय सिंह का कहना है बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं और संजय सिंह का कहना है कि जानबूझकर ये आरोप लगाए गए हैं ताकि मैं यहाँ पर गौतम अडानी के खिलाफ मुखर होकर ना बोल पाऊँ। मैं गौतम अडानी के विषय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल ना पूछ पाऊँ। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह के मामले में वो तारीख नजदीक आ गई है जिस तारीख का इंतजार आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी को पसंद करने वाली तमाम जनता कर रही है। दरअसल 10 नवंबर की बात करें तो संजय सिंह के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में कल एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि संजय सिंह निर्दोष साबित भी हो सकते हैं और यहां पर सबूतों के आधार पर लंबे समय के लिए तिहाड़ जेल भी जा सकते हैं। ये सुनवाई पर आधारित होगा, लेकिन यहां पर आपको ये बता दें कि संजय सिंह निर्दोष हैं और जानबूझकर संजय सिंह को फंसाया जा रहा है वो उनके वकील सोमनाथ भारती पेश करते हुए नजर आए। सोमनाथ भारती ने सरकारी गवाह के खिलाफ ईडी अधिकारियों की कार्यवाही के खिलाफ संजय सिंह के बेगुनाही के सबूतों के आधार पर क्या कुछ मीडिया के सामने कहा है, देखिए जरा। कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है, जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा, दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर, तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है। लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की स्टेटमेंट कहां मान्यता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा।
और माने नाले फैसला करें। सर, दो ट्रांजेक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई, और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर, किस तरीके से देखते हैं? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको, इसका जवाब नहीं। तो सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है, और मैं आपको बता दूं सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार, पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे। आपकी तरफ से आगे क्या कॉस ऑफ एक्शन होगा, क्या आपका कोर्ट जाना है, अगला क्या कार्रवाई है? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें, इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, एक पैसे का ट्रेल नहीं है, ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। यहाँ सिर्फ उनके वकील सोमनाथ भारती का जिक्र ना करें, जहाँ पर जब संजय सिंह पर कार्यवाही देखी जा रही थी तो उन दिनों यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक बात करें तो उन पर ईडी का शिकंजा कसा गया, घर पर छापेमारी, 9 जगहों पर छापेमारी देखी गई। आनंद जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक बड़े मंत्री के रूप में देखे जाते हैं, 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खां के घर पर भी छापेमारी की गई, कुछ नहीं मिला। उस बिना पर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि जानबूझकर ये तमाम कोशिशें की गई और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल के तमाम नेताओं को फंसाया जा रहा है। संजय सिंह ने साबित किया कि मैं कॉपरेट करने के लिए तैयार हूं, मुझसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं मैंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। यहां पर कई बार मुझे रिमांड में लिया गया, लेकिन रिमांड में देखा गया कि एनकाउंटर की भी आशंका संजय सिंह ने जताई और ये कहा कि ये इनका एनकाउंटर भी कर सकते हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संजय सिंह की रिहाई को लेकर और सरकारी एजेंसियां जिस तरीके से कठपुतलियां बन बैठी हैं, उस संदर्भ में क्या कुछ कहा है देखिए जरा। ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है, लिस्ट बना लेते हैं, जो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है, इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो, अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। ये सिस्टम आज इन लोगों ने बनाया। जब संजय सिंह पर ईडी का छापा पड़ा था और संजय सिंह के घर पर कई घंटों की छापेमारी की गई थी, तो उस दौरान यहाँ पर देखा गया कि संजय सिंह को ही गिरफ्तार किया गया, वहां से कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगा। संजय सिंह के फोन की भी बात कही गई लेकिन कोई सबूत वहां से हाथ नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाह के आधार पर यहाँ पर संजय सिंह को दोषी करार दिया जाता है, और ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी तमाम तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है, जनता से भीख मांगती हुई देखी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा दे, आम आदमी पार्टी का सहयोग करे। और आम आदमी पार्टी का सहयोग तो संजय सिंह की पत्नी भी करती हुई नजर आ रही है, और ईडी अधिकारी जिस तरीके से छानबीन के बाद गए, क्या कुछ उनकी पत्नी यानी कि संजय सिंह की पत्नी ने कहा देखिए जरा। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए, और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी,
तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य के जीत है उनके साथ हम है। कुछ सीज भी किया है, दस्तावेज मिले हैं क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है, उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने अब क्या लगता है कि संजय सिंह अब यहाँ पर रिहा हो पाएंगे? क्या संजय सिंह इस बार की दिवाली अपने घर पर मनाएंगे या फिर मनीष सिसोदिया की तरह तिहाड़ जेल में लंबे समय के लिए बंद हो जाएंगे? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।